हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम आप लोग को बताएंगे बोडमास रूल। बोडमास रूल तो आपने सुना होगा लेकिन सीखा भी होगा, लेकिन मैं जो बताऊंगी उसको आप पूरा वीडियो देखो तब जानो। मैंने इसलिए लिखा है तो पूरा पूरा वीडियो जरूर देखेंगे तभी सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि बोडमास रूल होता क्या है और बोडमास रूल का यूज कैसे होता है। तो चलिए देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। बोडमास रूल का मीनिंग होता है, बोडमास रूल का मीनिंग होता है, देखिए BODMAS। तो ये बोर्ड मास जो लिखा हुआ है ये 6 लेटर से बना हुआ है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो सारे लेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसी से सारा आपको समझ में आता चला जाएगा कि होता क्या है। बोर्ड मास रूल को बोल में बी को बोलते हैं ब्रैकेट, बी को बोलते हैं ब्रैकेट, एंड ओ को बोलते हैं ऑफ। ऑफ मतलब कहीं भी आपने देखा होगा कि सिंपल इक्वेशन में देख सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं कि ऑफ का मतलब का होता है। तो इसको मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ये 5 ऑफ 10। तो ये ऑफ मतलब 10 में 10 का 5 हो गया, या 5 ऑफ जो भी हो आपका 10 ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। जहां भी ऑफ का साइन होगा तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और डी मतलब होता है डिवाइड, और एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ का भी मीनिंग होता है और एम का ही मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। और ए फोर होता है एडिशन, एड। और इस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो ये हमने आपको बताया इसका मीनिंग। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड ए फॉर एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इसका रूल है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट का इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ऑफ का यूज करेंगे, फिर ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डिवाइड को यूज करेंगे, और तब मल्टीप्लीकेशन जहां भी आएगा और ए का होगा उसको एडिशन कर, ए मतलब एडिशन हो गया, फिर ऐड करेंगे और तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन में आपको सिंपली इसको देखते हुए चले जाना है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है। तो अब देखिए एक मैं छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताऊंगी कि कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। एक छोटा सा इक्वेशन हम लोग लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 एज फॉर एग्जाम्पल, इंटू 6 माइनस 2 प्लस 3। 4, अब देखिए सबसे पहले 4 आया, यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है सबसे पहले, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ब्रैकेट है अंदर में 2 प्लस 2, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट का काम खत्म कर दिए, जोड़ दिए, इंटू 6 माइनस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे डिवाइड आया 4 डिवाइडेड बाय 4, तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस 2 प्लस 3। अब यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 बच गया। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन हमने कहा सबसे पहले पहले एडिशन करेंगे तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 प्लस 3 को जोड़ देंगे यानी 9 हो जाएगा, और तब -2 करेंगे, 6 प्लस 3 क्या हो गया, 9, और -2 हो गया, आपका आंसर हो गया 7। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने बोडमास रूल सीखा। तो पूरा वीडियो जरूर देख के ही इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे पूरा क्वेश्चन कैसे सीखना है, कैसे बनाना है, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर समझ में आया होगा तो इसे कमेंट भी जरूर करेंगे। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।